अच्छा आप तुम सब अपना अपना नाम बताओ। नंबर वन बुरहाना, नंबर टू खुदा बख्श, नंबर थ्री चौथी अल्लाह दत्ता। बिल्कुल ठीक, तुम सब अपना अपना नाम याद रखना, पहली अप्रैल का पूरा पूरा फायदा उठाया जाएगा। मजा तो जब है मोहतरमा आफशा साहिबा, जब आपके मोहतरमी जमाल साहब भी चक्कर खा जाए। जमाल साहब क्या शेर है, इस बहरुख में तो इसके डैडी भी इसको नहीं पहचान सकते। मैं डैडी बात तो नहीं पूछती। हाँ बता, जमाल साहब को जरूर तिगनी का नाच पचा दूंगी। अच्छी तरह एक्टिंग करना वरना सारे महल बेकार चले जाएंगे। चलो भाई अब डैडी के पास चलते हैं, रिहर्सल यही करेंगे और मुकम्मल ड्रामा जमाल साहब पर आजमाया जाएगा। ठीक है ना, चलो चलो। और मैं क्या पाजी संभाला कर मैं हजूर आदाब बजा लाता हूँ। अदा डॉक्टर साहब खैर मेहर तो है, जोर टुकड़ा खुशहाल दे। आप सब कौन है? अल्लाह दिता पट्ठे वाला मिर्जा नासिर बे सही मुंजो नालो खुदा बस गबेर हुआ है। अब्दुल खान दे। आप सब क्या चाहते हैं? दरअसल जनाब हम सबको डॉक्टरी पढ़ने का बेहद शौक है, क्योंकि आपका नाम शहर शहर सड़क सड़क गली गली और ये सारे मुल्क में मशहूर है। मेहरबानी अदा डॉक्टर साहब असा के डॉक्टरी पढ़ाई दो। मिर्जा साहब ये क्या कह रहा है? जी डॉक्टरी पढ़ने के मुतालिक फरमा रहा है। आप सबकी उम्रें पढ़ने पढ़ाने की हद से गुजर चुकी है, तशरीफ ले जाइए। ओ ना मैं नहीं मंदा। ओ पाजी उम्र की गल ना करो, शेख सादी उन्होंने 40 वरिया की उम्र पढ़ना सीखा सी। वाह 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 सुभान अल्लाह, क्या मिसाल दी है आपने चोई सब, वाह मजा आ गया। और मैं क्या अड्डी चंगी गल की है, कोई ठंडा मंडा सलाम करो। मैं इस अंदाज की बेतकल की पसंद नहीं करता। रमजान रमजान अजी हजूर, रमजान का महीना तो नहीं, लिहाजा जोहराना दोपहर का खाना यानी के लंच हम सब यही तनावल फरमाएंगे। जी अरे हाँ एक बात याद है, आप जरा तकलीफ गवारा करके मेरे पास सुन लीजिए। बेतकल्लुफी की बात नहीं, बस शौक के मारे हैं। बारह शादियां रामा ही औखे हैं पाजी, हजारा मीला पैदल सफर करके तो आडे घर पहुंचे। अब तो सोचा है कि यही रहेंगे और होंगे तेरी महफिल से निकलने वाले हजरत दाग जहां बैठ गए बैठ गए। जीता रहा वाह सही वाह वाह खूब भाई खूब। मैं इससे ज्यादा बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकता, निकल जा यहां से। क्या जी मैं वाह सही वाह अदा सही अकड़ी गल तो बुदाए। मिर्जा साहब ये क्या कह रहा है? बकवास बंद करो जी। माफ कीजिएगा जरा आप मेरी तुम्हारी में पास हुई आइए। आज तारीख क्या यानी कि डेट डैडी देखिए डैडी आपके साथ मजाक करने की जरूरत तो हमें नहीं, लेकिन ये भी रिहर्सल थी। फौजी अंकल शाइस्ता अकबर खान। अरे अकबर खान अंकल शरारत का रुख तो दूसरी तरफ था। किस तरफ? जमाल साहब की तरफ। अरे क्यों उस शरीफ आदमी को परेशान कर। देखिए डैडी ये दिन इन्हीं कामों के लिए मखसूस है। ओके डैडी चलो भाई। मिर्जा साहब जी फरमाइए। शुक्रिया शुक्रिया जनाब। मुझे भी ठीक कर लीजिए। नाउ आउट। वो अंदर जाने का आर्डर नहीं है। तुम्हारे साहब ने हमको सुबह के नाश्ते पर इनवाइट किया। मकान सुटुआ है और गुजारे वास्ते ठीक है साईं बादशाह। खासा अच्छा है, हमें तो ये मुख्तसर सा सब्जाजार बहुत पसंद आया है। सूरज ढलने के बाद यही नशिस्त हुआ करेगी जनाब का इसमें गिरामी। और आपका इसमें गिरामी? जो कुछ भी है आप हजरात इस कोठी पर टोपी बात समझ कर आए। मकान है दादा सुटुआ है, हमको बहुत पसंद है। शुक्रिया। ओए सानू भी बहुत पसंद है। और साहब हमें तो आपका ये मुख्तसर सा सब्जाजार
बहुत पसंद आया है। मैं इस अजीब और गरीब गुफ्तगू का मतलब नहीं समझ। लो सुन लो, भले आप बुजुर्गा ना ले हो जाए मजाक नहीं करीदा, और सानू पता है तू कोठी फरोख करना चाहना ते ए दे मौजूद खरीदार असियां। जनाब आपसे किस बेवकूफ ने कह दिया है कि ये कोठी फरोख कर रहा हूँ? हजूर उसी बेवकूफ ने जिसने ये लिखा है, जरा उधर तो गौर फरमाइए। फरमाइए। मेरा ख्याल है कि इस कोठी को खरीदने पर अपना कीमती रुपया जाया करने की बजाय तुमने आप किसी हसीन खूबसूरत सी लड़की से शादी कर ली और उसकी मांग में अफशां भर दी। हमारी उम्र ही क्या है? मियां शराब पर हो। क्या मतलब? मतलब ये मतलब कि आज के दिन बेवकूफ बनी किसी और का इंतखाब किया है। हमारी अकल तो पहले ही आपके इश्क में जाया हो चुकी है। मोटी ऑफ कर दिया, सारी स्किन ना काम कर दी। किसी और पर आजमा कर देखते शायद चल जाए। आचार को सोलोमन कहते हैं। अरे तुम्हारे आकाओं को यहाँ से गए हुए 23 बरस बीत चुके हैं, अब तो सोलोमन से सुलेमान बन जाओ। काम की बात करो, इस वक्त तुम मेरे बॉस हो जमाल नहीं, और मैं तुम्हारा सबॉर्डिनेट हूँ भाई, दोस्त नहीं। ठीक है, डाक भेजो। यार मैं तो तुम्हारी डाक से तंग आ गया, इस कदर जनानी डाक, मुझे तो तुम्हारी मेल को मेल कहते हुए शर्म आती। इतनी ही शर्म आती है तो आप मेरी डाक ना पड़ा करें। कारोबारी खतूत 25% और जनाने खतूत 75% और सारे के सारे 20 से लेकर 45 साल बच्चियों के। हाय 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 हाय, फरमाती हैं जमाल साहब आपने फला मशायरा लूट लिया, फला शेर इस तरह पढ़ा के कलेजे पे आरे चल गए, फला मिश्रा तीर की तरह दिल में उतर गया, और फला नज़्म बर्छी की तरह कलेजा चीरती चली गई। अगर आपकी ये तीर तलवार और भाले शहर में इसी तरह चलते रहे तो मेरे भैया एक दिन थाने में आपका फोटो लगा होगा और पुलिस वाले बच्चियों के खतूत आपको पढ़ के सुना रहे हो। तुम्हारी बातों से कुछ जलने की बुआ रही। अशार हम भी कहते हैं मगर जिस महफिल में गए जलील होके ही निकले। अच्छा ये बताओ, कभी कोई भूले से तुम्हें भी खत आया? एक आया था, बहुत ही उम्र रसीदा बुजुर्ग खातून का। क्या लिखती? लिखती हैं, अरे बेटा बड़ी अच्छी पोयम लिखते हो। सॉरी बॉस, अब मैं बिजी होने वाला हूँ। बाय। हाय। हेलो सान का पुनपुनता। थैंक यू, ना देन देन ना। आप कंपनी बिकवाएंगी, कैसी हैं आप? ठीक। आपने कभी अपनी सूरत आईने में देखी? यस। क्या आपने कभी इतना खूबसूरत इतना हसीन एक्सपोज हुए हुए देखा? ओह माय गुडनेस, ये हम है? ये आप है और ये हम है। दुनिया के बहुत से फोटोग्राफर्स ने आपको एज मॉडल एक्सपोज किया होगा, लेकिन इतना खूबसूरत इतना हसीन किसी ने नहीं एक्सपोज किया होगा। शुक्रिया। आज शाम आप फ्री? क्यों? थोड़े और फ्री हो जाएंगे। ओ यू नॉटी बॉय। अक्सर लड़कियों ने मुझसे यही कहा है। ये थान आया। आप रख लें। मगर ये सैंपल है। कोई बात नहीं, इसका बुरखा बना लीजिएगा, आप बेपर्दा अच्छी नहीं लगती। बात सुनिए। यू रियली आर नॉटी। बाय। हाय। आप कंपनी लिखवाएंगी। हेलो। हेलो, पोस्ट ऑफिस? सॉरी रॉन्ग नंबर। सुनिए, जमाल पब्लिशिंग हाउस। जी फरमाइए। आपके पास वो किताब होगी शाही दस्तरखान? मोहतरमा किसी अच्छे होटल से रुजू कीजिए। अजी मैंने कहा सुनिए तो। देखिए वक्त ना खराब कीजिए। देखिए जी, आप तो बहुत रूखी रूखी बातें करते हैं। हेलो, क्या बात है जमाल साहब, बहुत गुस्से में है? अफशा माफ करना भाई, एक साहबजादी बहुत ही बोर करनी थी। अच्छा समझी, आप शाही दस्तरखान से बोर होते हैं। अच्छा तो ये आप थी। देखिए मोहतरमा, हमने फूल बनाना शुरू किया ना तो आप रो देंगे। साहब हंसाइए या रुलाइए, हम कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि हम तो खुद बहुत पहले फूल बन चुके। ये तो
हमारे अल्फाज और जज्बात है। आज रात कैसे नहीं आऊंगा। हाँ 7 बजे। खुदा बेटा, तुम यहाँ बैठ रही हो, मैं तुम्हारे घर गया, ऑफिस गया। यस जमशेद। चलो ठीक है, यहाँ बैठ के कुछ देर बातें करेंगे। नहीं, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ। किसका? मेरा। आपको कोई एतराज है बेटे? यस, शी इज माय फियांसे, मेरी मंगेतर है। बड़ी अच्छी बात है अगर तुम्हारी मंगेतर है, मगर ये शादी करने का इरादा मेरा। मैंने इनसे कुछ दफ्तर की बातें करनी है, आप जाएं बाहर जाकर खेलें। लेकिन नहीं, ये दफ्तर है और नहीं ये दफ्तर का वक्त है। रेबेका, बहुत अच्छा इंपोर्ट किया है तुमने, चलो इससे फैसला करो। रेबेका, फैसला करो। एक तरफ मोहब्बत है, दूसरी तरफ पैसा है, काम है। और टेडी भाई, ज्यादा ड्रामा बोलने की कोशिश ना करो। जिंदगी गुजारने के लिए पैसा चाहिए, मोहब्बत कोई चीज नहीं। लेकिन मेरी मोहब्बत सच्ची है। कोई सबूत? सबूत? मैं रेबेका के लिए जान दे सकता हूँ। शाबाश, जाओ जाके बेटे 7वीं मंजिल से छलांग लगा दो। देखो मेरे बच्चे, बगैर पैसे के आजकल मोहब्बत नहीं होती है। ये गरीब आदमी का खेल नहीं है, ये बड़ा ही एक्सपेंसिव गेम हो गया। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, दिल है, दिल। बैरा, ये भाई का दिल फ्राई कर दे लाके। ये बेटे पैसे लो बस के, जाओ कहीं नौकरी वोकरी तलाश करो। रुबेका, मुझे 1 रुपया सिगरेट के लिए दे दो। 1 रुपये में तो आपने बड़ा सस्ता पाला है। ए, 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 रिवर्स में जाना भाई, लेडीज में। शाबाश, बहुत अच्छी चाल। वाह रेबेका, और इस तरह के तुम्हारे कितने रिश्तेदार हैं, मैं तो इतनी एक्सपेंसिव जिंदगी नहीं गुजार सकता। आंखें खोलो ना। सोना चाहता। सो जा। जी नहीं चाहता। क्यों? ये हसीन लम्हात इतने कम कीमत नहीं कि इन्हें नींद की झोली में डाल दिए। ये लम्हात फिर भी आ सकते हैं जमाल। कौन जाने? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? तुम पर तो यकीन है, जमाने पर एतबार नहीं। मोहब्बत जमाने के गमों से आजाद ऐसा परिंदा है जमाल, जिसे ना आग जला सकती है और ना ही मौत खत्म कर सकती है। ये तुम्हारे दिल की आवाज है अफशा। नहीं, फिर ये तो रूह की गहराइयों से निकले हुए अल्फाज हैं जमाल, जिन्हें सुनकर फूल खिलते हैं, घटाएं उमड़ आती हैं, दिल एक अनजानी मसरत में डूब जाते हैं। जी चाहता है अफशा कि सारे जहान की मसरतें समेट कर तुम्हारे दामन में डालता हूँ। सारे जहान की मसरतें तो मेरे दामन में आ ही गई हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए जमाल। जीते रहो बेटे। माफ कीजिएगा अम्मी, आपको इंतजार की जहमत थी। जब तक मुशायर सलामत है, जहमत तो होती ही रहेगी। देखा आपने, आपकी चहेती भतीजी कितनी अदब नवाज हो गई। नौशाबा को तो खुद शायरी से लगाव है जमाल। तो फिर ऐसी बातों की वजह? इसे तेरी सेहत का ख्याल है। अरे आप नहीं जानती अम्मी, जब हजारों का बजमा किसी शेर या मिसरे पे धात देता है ना, तो शायर का कितना खून बढ़ जाता है। हाँ हाँ, इसका गवाह तो आपका जर्द चेहरा, भोजन आंखें और थकी हुई आवाज। अच्छा भाई, तुम जीती मैं हारा। दो चाय बनाओ, मुझे दफ्तर जाना। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अब बेटी सुजा, तुमने क्या मॉडल भेजा है? नहीं नहीं, ठीक भेजा। आइए तशरीफ रखिए। इश्तहार बड़ा था आपका, ये है मेरी लड़की। अच्छी है, मगर मेरा ख्याल है आप झूठ बोल रही हैं। क्या मतलब? ये आपकी बहन तो हो सकती है, बेटी नहीं हो सकती। बचपने में शादी हो गई थी। गुड। अजी वल्ला, सब यही कहते हैं, सब यही समझते हैं। हालांकि नरगिस हमारी सगी ही बेटी है।
बड़ा प्यारा नाम है आपकी दुख्तर नेकत्तर का, नरगिस। खुशबू भी अच्छी है। आदाब। थैंक यू। अब मालूम होता है आपने अपनी जवानी डाइटिंग पे गुजारी है और बहुत ही बारीक और खूबसूरत वक्त देखा। अजीब अल्लाह क्या जमाना था, इधर हमारी फिल्म रही थी। अजीब अल्लाह, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े हीरो, बड़े बड़े डायरेक्टर गाड़ियां लिए दरवाजे पे खड़े रहते थे, बात करने को बेताब, एक झलक देखने को बेकार। ओहो अम्मी, कोई काम की बात भी तो कीजिए ना। कोई नाज, हम तो ये भूल ही गए थे। सुना है तुम्हें मॉडल्स के लिए कुछ ही लड़कियों की जरूरत है। जी हाँ, जरूरत तो है, मगर सिर्फ लड़कियों की, लड़कियों की अम्मी की नहीं। हाँ, अगर कोई ग्रेन ग्रेन का एडवर्टाइजमेंट आया तो आपको जरूर याद करें। दीवाना हुआ है लड़के, तेरा ख्याल है कि मैं नौकरी करूंगी, नाल भी तो तुझ पर, तेरे ऑफिस पर, तेरी मुलाकात पर। चलो लड़की। माफ कीजिएगा, मेरी मम्मी का दिमाग जरा। माफ करना बेटी, मैं दरअसल सर्जरी के इस केस में बुरी तरह से उलझा हुआ। डैडी, आपको अपने फोन से बहुत लगाव है। बगैर लगाव के बात नहीं बनती बेटी, बल्कि दुनिया के हर बड़े काम के लिए बुनियादी शर्त ये होती है कि वो काम करने वाला उस काम के साथ बेपनाह लगाव और मेहनत। डैडी, वो अपाहिज लड़की अब कैसी है? तुम अब उसे अपाहिज नहीं कह सकती, तुम उसे बगैर बेसाखियों के चलते फिरते देखो। वेरी गुड। हाँ जमाल बेटे, बैठो। अगर जहमत ना हो तो चाय बना दीजिए। जहमत तो होगी, लेकिन जब आप आ ही गए हैं तो चाय बनाई देती। सुन लीजिए अंकल, गोया मैं बिन बुलाया मेहमान हुआ। अरे बेटे, ये तो तुम्हारा अपना घर है, अगर ये बात है तो आप रहने दीजिए, खुद बना लूंगा। जी नहीं, मैं जहमत का आगाज कर चुकी हूँ। हाँ जमाल बेटे, बहुत दिनों से हमारे यहाँ कोई हंगामा नहीं हुआ था, तो उस सपाहज लड़की की सहजाबी की खुशी में मैंने कुछ दोस्तों को बुलाया, कल फिर हंगामा होगा, भूलना नहीं। बताइए, आपको हंगामों का इतना शौक क्यों? बेटे माजी की कुछ यादें हैं जिन्हें कभी कभार घबरा देती। चाय लीजिए जनाब। शुक्रिया जनाब। ठंडी है। याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, ये मेरी पुरानी फिल्मों की प्यारी प्यारी तस्वीरें। फिल्म गरीब की तो कितना अजीब करेक्टर था मैं हीरोइन, बिल्ली मोरिया हीरो। वो घोड़े से उतर कर आता है मेरे करीब और क्लोजअप में मुझे देखता है, मैं उसे क्लोजअप में देखती हूँ। बाबा घनश्याम कैमरा मैन ने क्या खूबसूरत क्लोजअप बनाया था। आह आह, काश वो जवानी फिर वापस आ जाती। ये क्या कर रहे? तस्वीरों को जला दूंगा। ये अजाब है मेरे लिए, तुम सर तैर हुए परसों हो चुके हैं, लेकिन वहाँ की बातें, वहाँ की यादें हर वक्त तुम्हारे जहन पर मुसलत रहती है। मैं तुम्हारा शौहर हूँ, मैंने तुमसे शादी इसलिए नहीं की कि बिल्ली मोरिया आई, बिल्ली मोरिया टी, बिल्ली मोरिया सी जैसे औरत ना हिरोइन की याद में कोई रहो। मिस्टर सैंडो, मैं फनकारों की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे लानत है इन पर। गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन। तुम? कौन था तुम? डैडी, ये बहुत अच्छे शरीफ और माकूल आदमी है। ये ठीक है। ये बहुत घटिया, बहुत कमीना, बहुत माकूल आदमी। बाय द वे, बाय प्रोफेशन आप इनके शौहर हैं क्या? हाँ। फिर ये आपको ठीक गालियां दे रही थी। मैं ये तेरी तारीफ में कह रही हूँ कमीने। मेरे ख्याल से पहले तारुफ हो जाए, उसके बाद बहस शुरू करते हैं। ये मेरे डैडी है। माशाल्लाह, इस बनास्पति दौर में बहुत ही तंदुरुस्त और जानदार डैडी है। हेलो, वेरी गुड, बैठो, मजेदार आदमी मालूम होते। मैं इतना माकूल आदमी का इस कमरे में वजूद बर्दाश्त नहीं कर। मैं इस कमरे में इस आदमी से गुफ्तगू कर रहा हूँ, तुम दूसरे कमरे में चली जाओ। ये नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं मम्मी। ये मेरा हाथ रहा, आप सीधा कर दीजिएगा। ये तुमको जल्दी क्यों है? जल्दी कुछ एविएशन की जाती मालूम। बात ये है डैडी, मैं इनकी फर्म में सर्विस करना चाहती हूँ। मैं गलती से इंटरव्यू लेने आया था जी। वेरी गुड, वेरी गुड, तुम इंटरव्यू लो, मैं जरा एक्सरसाइज कर लो।
आपने मौत का चढ़ेरी पाना है। पसंद आया आपको? खासा टफ हिसाब किताब है। अगर दो चार मरतबा इस घर में और आना हुआ तो स्ट्रेचर पे ही जाना होगा। बहुत अच्छी स्माइल है आपकी। मेरे ख्याल से टूथपेस्ट के एडवर्टीजमेंट के लिए तो बहुत ही अच्छी है। शुक्रिया। मैं वो इंटरव्यू के सिलसिले में हाजिर हुआ था। जी जी। आपकी तालीम क्या होगी? नॉन मैट्रिक। हमारे दफ्तर के लिए ये तालीम बहुत अच्छी है। अच्छा, आपकी उम्र कम से कम क्या होगी? 18 साल। 18 साल, ये उम्र मेरे घर को सूट करती है। तुम अभी तक यहाँ मौजूद है? आदाब मदर इल्ला। अच्छा जी, वो आपकी हाइट अंदाजन क्या होगी? 4 फुट 6 इंच। लड़कियों को इससे ज्यादा ऊंचा उड़ना भी नहीं चाहिए। मैं तुझसे बात कर रही हूँ। मैं जरा इनसे बात कर रहा हूँ। चाय के साथ कुछ बिस्किट वगैरह का भी इंतजाम कर लीजिएगा और ये जग में पानी ले लीजिए। मेरे ख्याल से तनख्वाह 350 रुपए महीना और आपकी मम्मी के लिए खाना कपड़ा, ठीक है? जी, जैसे आपकी मर्जी। तू इस तरह नहीं मानेगा। जी क्या करें, कपड़ा खुद ही काफी हूँ। शाम की चाय पे तशरीफ लाइए। जी जी। बाय मम्मी। थैंक यू। बड़ा आया था इंटरव्यू लेने, कमीना लफंगा। आना हुआ बहुत खूब। ये आप और आपके जगह आवाम को बेवकूफ क्यों बनाते हैं? क्यों, क्या हुआ? आज उस सपाह लड़की की सेहत याबी की खुशी में यहाँ जश्न था ना। अच्छा, वो अरे वो तो कैंसिल हो गया। क्यों? उस लड़की की तबीयत फिर खराब हो गई थी। डैडी सब उसकी देखभाल कर रहे हैं। हमारी बदकिस्मती, खुसर साहब को खुश करने का मौका दो। खुसर साहब? जी, मेरे होने वाले खुसर साहब आपके डैडी साहब। लेकिन हमारा हार बेकार गया। डैडी इस मामूली से हार से खुश हो जाते? बहुत मुमकिन था कि आज ये हार हमारी जीत बन जाते। यानी आप इस मामूली हार से मोहब्बत की बाजी जीतने के ख्वाब देख रही हैं? अरे आप नहीं जानती अफशा बेगम, ये हार बड़े काम की चीज है। अगर होने वाला दामाद खुसर को पहनाए तो दुल्हन पाए, अगर बाबू मैनेजर को पहना है तो तनख्वाह बढ़ जाए, अगर आवाम लीडर को पहना है तो कुर्सी पाए, और अगर लड़का लड़की को पहना है, और अगर लड़की लड़के को पहना है तो बैठ जाओ, बैठो, समझाता। अगर लड़की लड़के को हार पहना है ना तो ये हार नहीं रहता, वरमाला बन जाता है, और वरमाला अपना नाजुक फूलों की वो जंजीर है जो मोहब्बत बनकर गले का हार होती है। मुझे जंजीर पहनाने से पहले ये सोच लेना कि इस जंजीर का एक सिरा हमेशा तुम्हारे पैर में भी रहेगा और फिर तुम्हारे लबों पर सिर्फ मेरा नाम रहेगा। तुम्हें आज शाम इसके साथ ड्रामा देखने आर्ट काउंसिल जाना। सॉरी, आज तो मैं बहुत मसरूफ। भाई ये मसरूफियत का अंदाज मुझे बिल्कुल पसंद है। तुम सुबह जाते हो, रात गए वापस आते हो। तुम्हें कुछ वक्त नौशाबा को तो देना ही चाहिए। वो तुम्हारी चचा की लड़की नहीं, मेरी होने वाली बहू भी है। आप क्या कह रही हैं? मैंने तो कभी नौशाबा के बारे में इस अंदाज से सोचा ही नहीं। ये काम तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम्हारे अब्बू की वसीयत और तुम्हारे चचा की ख्वाहिश भी यही थी। जिसे पाए तकमील तक पहुँचाना मैं अपना फर्ज समझती हूँ। अम्मी, वसीयत फर्ज और ख्वाहिश के नाम पर मुझे वो जंजीरें न पहनाइए जिनका बोझ मैं बर्दाश्त न कर सकूं। जमाल, कैसी बातें कर रहे हो तुम? इतना तो सोचो नौशाबा के हम पर कितने एहसानात हैं। ये शान और शौकत, बंगला, ये कारोबार जिसकी वजह से तुम इतने बड़े आदमी कहलाते हो, क्या ये सब कुछ नौशाबा के वालिद का नहीं? ठीक है अम्मी, लेकिन दौलत की खातिर मैं अपनी जिंदगी तो नहीं बर्बाद कर सकता। क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैं नौशाबा को चाहता हूँ, उसका एहतराम भी करता हूँ, लेकिन बिल्कुल इसी तरह जैसे एक भाई अपनी बहन को चाहता है। ठीक है, हर खानदान का यही दस्तूर है। शादी से पहले चचा ताया की बेटियां बहन ही समझी जाती। नहीं अम्मी, मैं बहुत पहले आपको अफशा के बारे में बता चुका हूँ। जमाल, मैं तुम्हारे मुंह से बारहा अफशा और डॉक्टर अंसारी का नाम सुन चुकी हूँ, लेकिन अब तक ना मैंने अफशा को देखा है ना डॉक्टर अंसारी को। वो कौन है, क्या है, खानदान कैसा है, मुझे कोई इल्म नहीं। मैं तो समझती थी कि तुम महज उनसे दोस्तों की तरह मिलते जुलते। अफशा आला तालीम याफ्ता है, डॉक्टर साहब शहर के मौसूस आदमी है, शहर का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है, लोग शराफत के गुण गाते हैं। और आप क्या चाहती है? मुझे मेरा वो बेटा चाहिए जिसने आज तक मेरी हुक्म उदूली नहीं की। मुझे मेरी वो बहू चाहिए जिसकी शक्ल मेरे जहन में रची बसी। मेरा उस आला तालीम याफ्ता शरीफजादी से कोई वास्ता नहीं जिसका नाम अफशा है। कहो अब तुम्हारा क्या फैसला है? मेरी नजदीक माँ की हुक्म उदूली सबसे बड़ा जुर्म है,
लेकिन जुर्म ये भी है कि जिंदगी भर साथ निभाने के वादा कच्चे धागे की तरह तोड़ दिया जाए। मैं अफशा को धोखा नहीं दे सकता। जमाल, मैं जिंदगी के दौराहे पर खड़ा हूँ अम्मी। एक रास्ता अफशा की तरफ जाता है और दूसरा नौशाबा की सिमत। एक तरफ जिंदगी की तमाम मसरतें और दूसरी तरफ खामोश उदास और बेरंग जिंदगी। बताइए अम्मी, मुझे किस तरफ जाना है? फैसला तो आप ही के हाथ में है, जवाब दीजिए। जवाब मैं दूंगी। नौशाबा, मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ। जमाल, जमाल भाई का इंतखाब अफशा है और इस दौर में जिंदगी के साथी का इंतखाब वो करता है जिसे जिंदगी गुजारनी है। ये क्या कह रही हो तुम? ये सच है आंटी, जमाल भाई की शादी अफशा ही से होगी। नौशाबा, आप आज ही जाकर डॉक्टर अंसारी से बात कीजिए। मैं पहली और आखिरी बार तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम कर रही हूँ। फोन इस वक्त बेडरूम में है ना? और आप बिस्तर पर? जी। ये मोहब्बत भी कितनी अजीब चीज होती है। वो जो अपने महबूब से दूर होते हैं ना, उन्हें हर उस जानदार हत्या के बेजान चीज पर भी रश करता है जो उनके महबूब के करीब हो। मसलन, आपको इस वक्त किन चीजों पर रश कर रहा है? आपके बेडरूम की हर चीज पर, उस बिस्तर पर जो आपके लिबास की खुशबू से महक रहा है, उस तकिए पर जिस पे आपकी जुल्फें बिखरी हुई हैं, उस फोन पर जो आपके लबों के इतना करीब है। क्या हो गया है आपको? क्या हो गया है ये आप जानती हैं, और जो होने वाला है वो भी अपन करीब जान जाएंगे। अभी बता दीजिए ना। तो फिर जरा करीब आ जाइए और दिल थाम के सुनिए कि मैं इस दौर की सबसे हसीन लड़की से मोहब्बत करता हूँ और उसका नाम अफशा है। झूठ? आप इसे झूठ ही समझ लीजिए, लेकिन आप भी देखेंगे कि बहुत जल्द वो हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। अब नहीं है? है, मगर फासले और पाबंदी के साथ। लेकिन आने वाला कल बहुत सी खुशियां ला रहा है। किसी के दरवाजे पर शहनाइयां बजेंगी, तो हाथ मेहंदी से रचाए जाएंगे, सितारे एक मांग में अफशा भरेंगे और फासले मिट जाएंगे और वक्त थम जाएगा और दो धड़कते दिलों की सदा के अलावा तमाम आवाजें डूब जाएंगी और हमें नींद आ जाएगी। माशाल्लाह, घर की हर चीज से सलीका नुमाया। जी हाँ, मालूम होता है अफशा बेटिया को घर गृहस्थी से बड़ी दिलचस्पी है। नहीं, वो दरअसल फ्लाइट ही लेट हो जाती है तो डॉक्टर शायद अभी तक पहुंचे ना हो। डैडी, ये जमाल की वालिदा है। तुम अपने कमरे में जाओ बेटी। इतना अजीब इत्तेफाक है कि हम तीनों एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ होने के बावजूद इस वक्त अजनबियों की तरह खामोश खड़े हैं। ये घर मेरा है, मैं मेजबान हूं, लिहाजा मैं आप लोगों से कहूंगा कि तशरीफ रखें। कितनी सितम जरीफी है कि हम बरसा बरस के बाद एक दूसरे से मिले हैं तो इस तरह के तुम्हारे बालों में स्याही की जगह सफेदी और मैं एक जवान बेटी का बाप बन चुका हूं और तुम अपने बेटे का पैगाम लेकर मेरे घर आई हो। हाँ। अजरा, तुम्हारा बेटा मुझे पसंद है, खूबसूरत है और तालीम याफ्ता। अफशा भी उसे चाहती है। आम हालात में अफशा के लिए इससे बेहतर शौहर खुश नसीबी का बेहतरीन इनाम हो सकता था, लेकिन जमाल तुम्हारा बेटा है इसलिए खुश नसीबी के ये दरवाजे मैं खुद बंद कर रहा हूं। कहना क्या चाहते हो डॉक्टर? यही कि अफशा की शादी जमाल से नहीं हो सकती। वजह? माजी की दबी हुई राख में बहुत सी चिंगारियां हैं अजरा, उन्हें हवा दोगी तो आग भड़क उठेगी।
बेहतर यही है कि खामोश रहो। डॉक्टर, इस वक्त ना मैं अजरा हूँ और ना तुम अख्तर। इस वक्त मैं एक जवान बेटे की माँ हूँ और तुम एक जवान बेटे की बाप हो। क्या ये मुमकिन नहीं कि हम माजे को भूलकर हाल की बातें करें? मैं सब कुछ भूल सकता हूँ लेकिन अपना माजी नहीं। माजी मेरे दिल का वो जख्म है अजरा, जिसकी अजियत हर लम्हा मेरे साथ है। कुछ भी सही, इस वक्त मैं माँ बनकर आई हूँ और मुझे अपनी माँ याद आ रही है। वो गरीब औरत जो आज से 20 बरस पहले तुम्हारे दरवाजे पर खुशियों की भीख मांगने गई थी, जिसने रो रो कर इंतजाएं की थी कि अजरा मेरे बेटे की जिंदगी है। जानती हो तुम्हारे बहुत बड़े बाप ने क्या जवाब दिया था? कि अजरा उस घर में बहू बनकर नहीं जा सकती, चाहे गुर्बत की धूल हो। वो मेरा नहीं, मेरे बाप का फैसला था। और मैंने भी बाप बनकर फैसला किया है। तुम दो मासूम जिंदगियों से खेल रहे हो डॉक्टर। तुम इंतकाम की जिस आग को हवा दे रहे हो उसमें मेरा ही घर नहीं, तुम्हारा घर भी जल सकता है। लेकिन मुझे इस घर से ज्यादा अपनी माँ का वकार अजीज है। मेरी माँ ने मरते वक्त ये वसीयत की थी और वो वसीयत ये थी अजरा कि मैं तुमसे और तुम्हारे खानदान से कोई वास्ता नहीं रखूंगा। इतने खुदगर्ज मत बनो डॉक्टर, इंसान चाहे तो हर बात भूल सकता है। मैं नहीं भूल सकता इसलिए कि मेरे दामन में यादों के सिवा कुछ भी नहीं है। तुम तो चुपचाप डोली में बैठकर अपने घर चली गई थी और मेरी गरीब माँ ये दुख लेकर कब्र के अंधेरों में जा सकी और मैं दुनिया के तपते हुए रेगिस्तान में मुद्दतों अकेला भटकता रहा, कहीं से कोई सहारा नहीं मिला। सहारा मिला भी तो उस घर से जहां रहमत के फरिश्ते और शरीफ आदमी का दाखला ममनू है। वो एक तवायफ थी जो मेरे जख्मों का मरहम बनी, वो एक तवायफ थी जो बीवी बनी, मां बनी और मत। अफशा उसकी निशानी है। तुम ठीक कहते हो लेकिन मैं ये जानने के बावजूद कि अफशा तवायफ की बेटी है कुछ नहीं जमा। डॉक्टर साहब के घर से आपकी इस तरह वापसी, ये बात है जरूर। मुझे अफसोस है जमाल, मैं तुम्हें कोई खुशखबरी नहीं सुना सकती। मुझे कुछ भी है कह दीजिए। तुम्हारी शादी अफशा से नहीं हो सकती। लेकिन क्यों? वो तवायफ की बेटी है। तवायफ की बेटी? हाँ। अगर ये एग्जाम दुरुस्त है तो भी अफशा की जात से इसका कोई ताल्लुक नहीं। अमित अपने किरदार के लिहाज खानदान वाले इस अंदाज पर नहीं सोचेंगे बेटा। मैं खानदान वालों की परवाह नहीं करता। बच्चों जैसी बातें मत करो जमाल, खानदान से जुदा होकर तुम एक कदम भी नहीं चल सकते। हम उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। तुम अफशा के अलावा जिसे चाहो शादी कर सकते। मेरी बात सुनिए अम्मी, मैं आपके फैसले के खिलाफ जबान खोलना गुनाह समझता हूँ लेकिन इस वक्त खामोश रहना भी गुनाह से कम नहीं होगा। अगर तवायफ की शरीफ बेटी पर शरीफ घरानों के दरवाजे बंद कर दिए गए तो जानती हैं इसका अंजाम क्या होगा। उस बाजार में एक नए घर का इजाफा हो जाएगा और उस घर की दहलीज पर कई शरीफ ज़ादे अपनी शराफत को कफन पहनाएंगे। इससे पहले कि ये गुनाह सरसद हो जाए अम्मी, खुदा के लिए अपना फैसला बदल लीजिए। ऐसा नहीं हो सकता है जमाल, ये नामुमकिन है। अम्मी कहीं हूँ बाबा, ये सब कुछ क्या हो रहा है, तुम्हें अम्मी को समझाना। बात वो नहीं बेटे जिसे तुम समझ रहे हो। इनकार दरअसल डॉक्टर साहब की तरफ से हुआ है। ये कैसे हो सकता है बाबा, वो तो मुझे अफशा से भी ज्यादा चाहते हैं। अब उनकी चाहत भी नफरत में बदल चुकी है। इसकी वजह? ये न पूछो तो अच्छा है। बता भी दो बाबा। जमाल बेटे, मैं तुम्हारी नानियाल का बहुत पुराना नमक खार हूँ। तुम्हारी अम्मी अजरा बेटी को मैंने अपने गोद में खिलाया है। ये उस वक्त की बात है जब तुम्हारी अम्मी कॉलेज में पढ़ा करती थी। अपने डैडी का फैसला सुन चुकी हो? हाँ। मुझे डॉक्टर साहब के तर्ज अमल से बहुत दुख हुआ है। वो महजब है, महजब कहलाते हैं लेकिन आज उन्होंने तहजीब की तमाम कदरों को बालाए ताक रख दिया। मुझे अफसोस है जमाल। अफशा माँ उस काबिल एहतराम हस्ती का नाम है जिसका तकद्दस मजहब कानून और दुनिया का हर इंसान तस्लीम करता है। तुम्हारी तहलीज से वो जिल्लत का तोहफा लेकर गई है। वो इस घर से आंखों में बेबसी के आंसू लेकर लौटी है। इसके बावजूद कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं उस वक्त तक उस घर में कदम नहीं रखूंगा जब तक तुम्हारे डैडी मेरी अम्मी से अपने गलत रवैये की माफी नहीं मांगेंगे। खुदा
डैडी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ तुम क्या पूछने आई हो, इसलिए सवाल करने की बजाय जवाब सुन। तुम दलाइल के साथ मेरे फैसले को रद्द करने की कोशिश करोगी, लेकिन यह मेरी जिंदगी का बेहतरीन फैसला है। हो सकता है आप हक बजाने को, लेकिन आप इसका रद्देमल शायद नहीं समझते। क्या हो सकता है? जिस तरह जिंदगी हर रूप में जिंदगी है, इसी तरह मौत की भी कई शक्लें हैं। मौत सिर्फ खंजर, जहर या किसी दस्ते गैबी की ही मरहूम मिन्नत नहीं होती। इस दुनिया में लाखों इंसान अल्फाज और गलत फैसलों की बदौलत भी मर जाते हैं। खामोश हो जाओ। सुन लीजिए बेटी, आज मैंने खुशफहमी की सारी जंजीरें तोड़ दी हैं। अल्फाज और अमल की वो आजादी जो मुझे आपने बख्शी थी, आज बदतरीन गुलामी बन गई है। मुझे यूं महसूस हो रहा है जैसे मैं पत्थर के जमाने की वो औरत हूँ जिसे ना सोचने का हक है ना बात करने का। अगर मैं इसी बात की मुस्तहिक थी तो फिर आपने मुझे बिला वजह तालीम दिलाई, इंसानियत के दस दिए। इससे तो बेहतर था कि आप मुझे जहालत के अंधेरों में छोड़ देते, ताकि मुझे किसी चीज का एहसास ही ना होता। कुछ और कहना चाहती हो? जी नहीं, अब मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगी, कभी नहीं कहूंगी, कभी नहीं। हेलो जमाल, मैं डॉक्टर अंसारी हूँ। सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि अफशा कहाँ है? ठीक है मैं अफशा कहाँ है? तुम्हें नहीं मालूम तो फिर किसको मालूम है? वो कल से गायब है। क्या कह रहे हैं आप? मैं अभी आता हूँ। इस प्रकार